Hey everyone, my name is Aditya and welcome back for another video. Guys, आपने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया है। इस वीडियो में मैं सेटवेट की पामेट का रिव्यू करूंगा एंड इस रिव्यू में हम कवर करेंगे इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग, इंग्रेडिएंट, स्मेल, कंसिस्टेंसी, ब्रेकडाउन, एप्लीकेशन, होल्ड एंड फिनिश, वॉशेबिलिटी एंड माई कंक्लूजन। बट गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं देन मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, साथ के साथ वो बेल आइकन भी दबा देना ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप उसे देख सके। एंड गाइज, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करता हूँ मैं वहाँ पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके मुझे फॉलो करें। सो अगर आपको जानना है प्रोडक्ट कैसा है, आपको परचेस करना चाहिए या नहीं, तो मेक श्योर टू लुक योर आईबॉल्स इन दिस वीडियो। वैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग से। पैकेजिंग की बात करें तो ये प्रोडक्ट एक बॉक्स के अंदर आता है। जब आप बॉक्स को खोलते हो तो अंदर आपको प्रोडक्ट का जार मिलता है एंड उस जार के टॉप पे आपको प्रोडक्ट का नाम मिलता है, साइड में डायरेक्शंस मिलते हैं, इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। जब आप जार को ओपन करते हैं तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलता है, आपको एक प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट कवरिंग मिलती है, उससे जब आप रिमूव करते हैं तो आपको एक्चुअल प्रोडक्ट मिलता है। आप प्रोडक्ट को जार से बाहर निकालते हैं तो ईजिली बाहर आ जाता है एंड ये प्रोडक्ट बाहर आने के बाद ब्लू कलर का दिखता है। ये पामेट जो है ब्लू कलर की है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है मुझे, अच्छा कलर दिखता है ये। हैंड्स में ब्रेक करने की बात करें तो ये इजीली ब्रेक हो जाता है, जैसे नॉर्मल पामेट्स ब्रेक हो जाती है। एंड एप्लीकेशन की बात करें तो जब आप इस प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं, ये प्रोडक्ट हेयर में बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टग एंड पुल के आपके हेयर में चला जाता है, कोई टग एंड पुल एक्सपीरियंस नहीं होती है, इसकी एप्लीकेशन काफ़ी स्मूथ। होल्ड एंड फिनिश की बात करें तो इस प्रोडक्ट के होल्ड की बात कर लेते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है आप कितना अमाउंट यूज़ कर रहे हैं, आपकी हेयर लेंथ कितनी है। मैंने नॉर्मल अमाउंट यूज़ किया है एंड मेरी हेयर लेंथ भी लॉन्ग है, बट उसके बावजूद भी इस प्रोडक्ट ने मुझे काफ़ी अच्छा होल्ड दिया है। कह सकता हूँ अगर आपकी हेयर लेंथ थोड़ी कम होगी एंड आप थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होल्ड मिलेगा इस प्रोडक्ट से। फिनिश की बात करें तो ये प्रोडक्ट एक पामेड है एंड एक पामेड को शाइनी फिनिश ही देनी चाहिए मेरे ओपिनियन में, एक पामेड शाइन फिनिश ही प्रोवाइड करती है एंड ये प्रोडक्ट भी शाइन फिनिश प्रोवाइड करता है, बट ये कोई ग्रीसी लुक प्रोवाइड नहीं करता है आपको। इसकी जो फिनिश है वो एकदम नेचुरल लगती है, ऐसा नहीं लगता है आपने कुछ ज़्यादा ही शाइनी प्रोडक्ट यूज़ कर रखा हो, वो एकदम नेचुरल लगता है। स्मेल की बात करें तो इस प्रोडक्ट की सेंट मुझे अच्छी लगी है, ओके है, बट सेंट हमेशा डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ये ऐसा हो सकता है मुझे अच्छी लग रही आपको अच्छी ना लगे, या फिर मुझे अच्छी ना लगे आपको अच्छी लगे, तो ये टोटली डिपेंड करता है पर्सन। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो ये प्रोडक्ट सल्फेट एंड पैराबिन फ्री है, इसके अंदर कोई अल्कोहल भी नहीं है, जो काफ़ी अच्छी बात है। मतलब मोस्टली प्रोडक्ट्स में सल्फेट भी होता है, पैराबिन भी होता है, अल्कोहल जैसी चीज़ें भी होती है जो आपके हेयर को डैमेज करती है, बट इस प्रोडक्ट के अंदर वो कुछ भी नहीं है, टोटली सेफ है आपके हेयर में अप्लाई करने के लिए। वॉशेबिलिटी की बात करें तो ये प्रोडक्ट एक वाटर बेस्ड पामेड है एंड वाटर बेस्ड पामेड से हमें पता लग जाना चाहिए कि वो पामेड ऐसी होती है जो वाटर से रिमूव हो जाती है, आपको कोई शैम्पू यूज़ करना नहीं पड़ता है इस प्रोडक्ट को अपने हेयर से रिमूव करने के लिए, ये टोटली वाटर से रिमूव हो जाती है। गाइस, नाउ मेन बात पे आ जाते हैं मेरे कंक्लूजन की, क्या मुझे प्रोडक्ट पसंद आया। तो ओवरऑल इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये मुझे अच्छा लगा है, इसके इंग्रेडिएंट सेफ है, ये एक पामेड है, ये वो सारी चीज़ें करती है परफॉर्मेंस के अंदर जो एक पामेड को, अच्छी पामेड को करना चाहिए। ये आपके हेयर को अच्छा पोजीशन पे होल्ड रखती है, आपको नेचुरल से शाइनी फिनिश देती है, डिपेंड करता है भी आपने अमाउंट कितना यूज़ किया है, होल्ड के अंदर भी वही चीज़ डिपेंड करती है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने कितना अमाउंट यूज़ किया है। आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा होल्ड मिलेगा, आप कम यूज़ करेंगे तो आपको नॉर्मल टू मीडियम होल्ड मिलेगा। इसके इंग्रेडिएंट सेफ है, आपके हेयर को डैमेज नहीं करती है, ये बजट प्रोडक्ट है, काफ़ी लोगों को बजट की प्रॉब्लम होती है तो ये बजट में भी आती है। तो ओवरऑल इस प्रोडक्ट की बात करें तो मेरी तरफ से थम्स अप है इस प्रोडक्ट के लिए। अगर आप में से कोई भी इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहता है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप इजीली इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। वेल गाइस, ये था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के ऊपर, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं देन मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, साथ के साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप उसे देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं। मैं काफ़ी सारी अपडेट्स देता रहता हूँ वहाँ पे रिगार्डिंग आने फ्यूचर वीडियोस के, सारी चाहे वो जो अच्छा स्टफ होता है वो सब आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन। बाय, करने का टाइम आ चुका है। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन कीप स्टाइलिंग एंड ड्रॉ फन।